हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ भी आप गूगल एड से अपने चैनल को कैसे प्रमोट कर सकते हो। इसके लिए फ्रेंड बहुत ही इजी ट्रिक होता है, बहुत ही आप आसानी से अपने चैनल को गूगल एड के थ्रू थोड़े बहुत पैसे इन्वेस्ट करके आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो। बड़े बड़े यूट्यूबर हमने कैसे देखा है, आजकल इतना कॉम्पिटिशन का ज़माना हो गया है, बड़े बड़े यूट्यूबर भी अपने इनकम का 30-40% गूगल ऐड पे लगाते हैं, अपनी वीडियो को रन करते हैं ताकि उसके चैनल की स्टेबली बनी रहे। इसके लिए आपने फ्रेंड सिंपली आपने गूगल क्रोम पे जाना है। देखो मैं अपने पीसी से ये पूरी सेटिंग करके आपको दिखाऊंगा, क्योंकि गूगल पीसी की स्क्रीन काफ़ी बड़ी होती है और मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है, तो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा भी उस सर क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे। ठीक है दोस्तों, आपने गूगल क्रोम पे जाना है, ऊपर 3 डॉट पे जाके आपने क्या करना है, डेस्कटॉप साइड पे खोल लेना है। उसके लिए आपने क्या करना है, अभी मैं पीसी पे जाके दिखाता हूँ आपने। मैं अभी गूगल क्रोम खोलूँगा, गूगल क्रोम में आपने सर्च मारना है google ads.com। ठीक है फ्रेंड, जैसे मैं अभी सर्च मारता हूँ google ads.com, जो पहली साइट आएगी उसको आपने ओपन कर लेना है। ठीक है फ्रेंड, ये अभी ओपन हो रही है, तो उसके बाद क्या प्रोसेस होता है ये मैं पूरा का पूरा सेटअप आपको दिखाने वाला हूँ, आप बने रहो मेरे साथ। ठीक है, जहाँ से आपने गेट स्टार्टेड पे ओके करना है, गेट साइन इन पे नहीं करना, गेट स्टार्टेड पे आपने ओके कर देना है। ठीक है फ्रेंड, तो जैसे इस पे ओके करते हैं उसके बाद क्या आता है ये मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, आप बने रहो मेरे साथ ताकि आपका आपके पास कोई भी डाउट ना हो, आपका एक एक डाउट मैं क्लियर करूँगा आज की इस वीडियो में। अगर फ्रेंड आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरे चैनल पे मेरे हमेशा ही जेन्युइन वीडियो रहती है। अगर आप पहले से ही मेरे चैनल पे हो तो आपका दिल से थैंक यू। देखिए फ्रेंड, जहाँ पे हम आ गए हैं, जहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने न्यू गूगल अकाउंट एड्स अकाउंट पे जाना है, और जहाँ से आप एक अपना गूगल अकाउंट क्रिएट कर लो, मैंने पहले से क्रिएट कर रखा है, आप उसी जीमेल अकाउंट से आपने चैनल क्रिएट करना है जिस जीमेल अकाउंट से आपने यूट्यूब का चैनल बनाया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, चलो आप ये प्रोसेस कर लेना, अगर मैं ये पूरा करके दिखाऊंगा तो वीडियो कम से कम आधे पौने घंटे की हो जाती है, तो उतना समय ना तो आपके पास होता है देखने का। चलो मैं स्विच अकाउंट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक अकाउंट मैंने बना रखा है। उसके बाद वहाँ से मैं एक कंपेन रन करके दिखाऊंगा, जैसे ये मेरा क्या बोलते हैं आईडी है, जहाँ से मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ भी आपने आगे क्या करना है, क्या स्टेप फॉलो करने हैं क्या नहीं करने हैं। ठीक है फ्रेंड, इसको थोड़ा ओपन होने देते हैं। जैसे फ्रेंड ये ओपन हो जाएगा, उसके बाद आपको मैं एक ऐड चला के दिखाऊंगा भी आपने करना क्या है। ठीक है फ्रेंड, जैसे ये हमारा ओपन हो चुका है, ओपन होने के बाद आपने आगे का प्रोसेस क्या करना है, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा जैसे आपकी एक आईडी बन जाती है। ठीक है, जो मैं ये दिखा रहा हूँ, जो मैं कर्सर लेके ले जा रहा हूँ, जो आपकी गूगल ऐड की आईडी रहती है 10 अंकों की, ये बहुत ज़रूरी होती है। आप जैसे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो गूगल ऐड की तरफ से आपको ये 10 अंकों का एक आईडी मिल जाएगी। ठीक है, तो आपका जीमेल और पासवर्ड आप इसको याद करके रखो। तो ये देखो फ्रेंड, ये कुछ इस तरह से खुल गया है। इस तरह से खुलने के बाद फ्रेंड आपने क्या करना है, कंपेन रन कैसे करना है। ठीक है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद आपने जे आपने जाना है कंपेन पे। कंपेन पे जैसे जाएंगे तो जे मेरे पहले के कंपेन चले हुए हैं, जहाँ से आपने प्लस के बटन पे ओके कर देना है। ठीक है, अगर आपका ये कंपेन नहीं आ रहा तो जहाँ पे न्यू कंपेन नाम का एक ऑप्शन रहेगा, वहाँ से जाके आप न्यू कंपेन को ओके कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड, जहाँ से बहुत ध्यान से देखने वाली चीज़ है, अगर एक भी स्टेप आप मिस करते हो तो आपका कंपेन रन नहीं होगा, ये बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ जहाँ का आगे प्रोसेस आपने क्या करना है। तो जहाँ पे कुछ इस तरह से खुल जाएगा, जहाँ से आपने इन किसी को भी चीज़ को सिलेक्ट नहीं करना, जहाँ लिखा हुआ है ना क्रिएट ए कंपेन विदाउट ए गोल ऑडियंस, इसको आपने ओके कर देना। ओके करने के बाद आपने किसी की प्रमोशन करनी है, वीडियो भी करनी है, तो आपने ये वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। उसके बाद कस्टम वीडियो कंपेन, इसको आपने बाय डिफ़ॉल्ट ओके रहता है, इसको आप ओके रहने देना। उसके बाद कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना है। तो जहाँ पे आप कंपेन नेम जो ऑप्शन आ रहा है, जहाँ पे आप कोई भी एक नेम दे सकते हो, जैसे
कोई भी आप दे दो, जैसे मैं ABCD कर देता हूँ, कोई भी आप नाम दे सकते हो। जहाँ बिड स्ट्रेटेजी रहती है इसको आप मैक्सिमम CPV रखना, तो जहाँ पे आ जाता है बजट एंड डेट्स, जहाँ पे आपने लिखना है कंपेन टोटल कितना भी, आप कितने पैसे में चलाना चाहते हो। जैसे यहाँ मैं 1000 रुपये में कोई भी एक कंपेन रन करना चाहता हूँ, तो मैंने 1000 रुपये टोटल भर दिया, ठीक है। आपके पास 100 रुपये या 50 रुपये जितनी भी अमाउंट है आप उतनी भर सकते हो। जहाँ से लिखा हुआ स्टार्ट डेट, मतलब आज की डेट है 24 जून, मैं आज से स्टार्ट करना चाहता हूँ, या एंड डेट कितनी है। एंड डेट आप मैक्सिमम फ्रेंड एक वीडियो पे अगर 1000 रुपये लगाना चाहते हो तो 10 से 15 दिन आप कम से कम रखो। जहाँ मैं 12 जुलाई कर देता हूँ, एंड डेट कर देता हूँ 12 जुलाई। उसके बाद थोड़ा सा ये इसने लिखा रहा भी आपका कंपेन सिमिलर टू, मतलब 52-63 पैसे डेली का बजट है मेरा, ठीक है फ्रेंड। तो जहाँ नेटवर्क है, नेटवर्क के जैसे हम इस वे एरो पे क्लिक करते हैं, जहाँ नेटवर्क के आपने क्या करना है, जो नीचे का वीडियो पार्टनर इसको हटा देना है, जो ऊपर वाले दोनों को रहने देना है। उसके बाद थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करेंगे, जहाँ लिखा हुआ लोकेशन भी, आप किस कंट्री में आपकी वीडियो को दिखाना चाहते हो, ठीक है। तो आप जहाँ पे और भी कुछ देश का नाम लिख सकते हो, किसी अगर आप किसी स्टेट में रहना चाहते हो तो जहाँ पे इंटरनल अनदर लोकेशन पे करके आप उस स्टेट का नाम भी दे सकते हो। जैसे मैं अभी इंडिया में, पूरी इंडिया में दिखाना चाहता हूँ, तो मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद जहाँ पे फ्रेंड आप अपनी जो वीडियो उसकी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैंने इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी, जैसे 3 लैंग्वेज मुझे आती है, तो तीनों लैंग्वेज जो मेरी वीडियो देखेगा तीनों लैंग्वेज वाला समझ सकता है, इस वजह से मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद फ्रेंड आता है इन्वेंट्री टाइप, इस पर हमने जैसे हमने ओके करना है, जहाँ आपने बीच वाले पे क्लिक करना है, ठीक है। एक्सपेंड इन्वेंट्री और लिमिटेड इन्वेंट्री पे आपने ओके नहीं करना है, बीच वाले पे ओके कर देना है, ठीक है फ्रेंड। और नीचे जाते हैं फ्रेंड, जहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ पे एक्सक्लूड टाइप एंड लेवल्स, इसको आपने क्या करना है फ्रेंड, इसको आपने अमेंडेड ड्यू टू वीडियो, इस पर क्लिक कर देना है, और कंटेंट नॉट येट लेवल्ड, जो इस पर आपने ओके कर देना है। उसके बाद फ्रेंड रिलेटिव वीडियो, जहाँ पे आपने कुछ नहीं भरना, जहाँ पे फ्रेंड आपने वही नेम, जो ऐड का नेम देना है, आप कोई भी दे सकते हो, जैसे आप पहले वाला भी दे सकते हो, जैसे मैं ABCD दे दिया था पहले, इसको भी मैंने ABCD दे देता हूँ, ठीक है। जहाँ पे आप कुछ भी अपनी तरफ से कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, इसका कोई मतलब कि ज़रूरी नहीं है भी आपने यही देना है, ठीक है। जहाँ लिखा है डेमोग्राफिक, लिखा है भी आप किस एज के बंदे को ये अपनी वीडियो दिखाना चाहते हो, ठीक है। जहाँ पे आपकी एज सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैं इन सभी को दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो कुछ ऐसी है मैं इन सभी को दिखाना चाहता, तो मैं यहाँ पे अब पूरी पूरे बंदों को कर दिया। आप पार्टिकुलर बंदों को भी जहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जहाँ पे लिखा हुआ ऑडियंस, आप ऑडियंस भी जहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो भी, आप किस ऑडियंस को अपनी वीडियो दिखाना चाहते हो। जैसे यहाँ मोबाइल फ़ोन, मेरी वीडियो जो रहती है मोबाइल फ़ोन से रिलेटिव रहती है, तो जहाँ मैं मोबाइल फ़ोन सेलेक्ट कर देता हूँ, आपकी टेक्नोलॉजी से रिलेटिव है, सोशल मीडिया, लाइफस्टाइल, हॉबी या गेम के बारे में है, तो जहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड। तो आगे मैं दिखा रहा हूँ आपको, जहाँ आप कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हो आपकी वीडियो का, आपने कैसा कौन सा कीवर्ड है, तो जहाँ से आप कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हो, जहाँ से आप कोई भी, जैसे YouTube के रिलेटिव आपका कीवर्ड है, जैसे यहाँ आप YouTube डालोगे तो यहाँ क्लिक करोगे तो जहाँ आपके पास बहुत सारे आइडिया आ जाएंगे, जहाँ से आप प्लस का बटन दबा के आप जहाँ से ये देखो इस साइड में आपकी वो आती रहती है, ठीक है। तो जहाँ फ़िलहाल मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि मैं कोई भी कीवर्ड अभी नहीं देना चाहता हूँ, आप चाहो तो दे दो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो जहाँ टॉपिक है अभी आपका वीडियो का टॉपिक क्या है, जहाँ से आप टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, वो किसके बारे में है, कंप्यूटर इलेक्ट्रिशियन के बारे में है, किसके बारे में है, तो जहाँ मैं इसको भी एनी टॉपिक रहने देता हूँ, आप चाहो तो जहाँ से टॉपिक दे सकते हो। जहाँ लिखा है प्लेसमेंट भी, आप किस प्लेसमेंट पे, किस जगह पे अपनी वीडियो को दिखाना चाहते हो, तो जहाँ पे आपके साथ बहुत सारे, जैसे मैं यूट्यूब वीडियो के बारे में दिखाना चाहता हूँ, या यूट्यूब चैनल के बारे में दिखाना चाहता हूँ, आप जिस भी जगह पे आप इसको प्लेसमेंट देना चाहते हो तो वहाँ पे आप दे सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है फ्रेंड जे वाला, जहाँ पे लिखा है मैक्सिमम CPV बिड भी, आप अपने एक व्यू पे कितने आप पैसे स्पेंड करना चाहते हो,
तो मेरा रिकमेंड तो रहेगा फ्रेंड, मिनिमम आप 50 पैसे, आप 50 पैसे रखो इसको, क्योंकि उसके बाद यहाँ CPB अपने आप कम हो जाती है। अगर आप 10 पैसे 20 पैसे, बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हैं 20 पैसे लगा दो, उसके बाद रन नहीं होता, क्योंकि आजकल कंपटीशन का ज़माना है, बहुत बहुत सारे बंदे पैसे दे रहे हैं। इस वजह से आप 50 पैसे रखो, ये ज़रूरी नहीं है फ्रेंड भी आपकी जो आपने 1000 रुपये स्पेंड किया है तो आपके 50 पैसे के हिसाब से 2000 रिव्यू आएंगे, 3000 भी आ सकते हैं, 5000 भी आएंगे। ये CPV ऑटोमेटिकली ये गूगल ऐड कम कर देता है। और उसके बाद फ्रेंड आपने क्या करना है, जहाँ पे आपने क्या ये अपनी वीडियो का लिंक दे देना है, जहाँ पे आपने वो जो लिंक कॉपी किया था इसको हमने यहाँ से पेस्ट कर देना है। जैसे फ्रेंड पेस्ट कर देंगे, जहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड, जहाँ पे आपने वीडियो डिस्कवरी ऐड पे आपने ओके कर देना है। ठीक है फ्रेंड, जैसे हम ओके करेंगे, ओके करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद आपने जहाँ से क्या करना है, जहाँ आपने डिस्क्रिप्शन देना है, अभी इसका डिस्क्रिप्शन है क्या है, अभी किस टाइप की वीडियो है, जहाँ पे हमने डाल देना है व्हाट्सअप, डिलीट, चैट, वापस कैसे लाएं। ठीक है, मैं इस पे चलाना चाहता हूँ। जहाँ आपने तीनों डिस्क्रिप्शन भरने हैं, जहाँ मैं इंग्लिश में मारता हूँ हाउ टू रिकवर डिलीट व्हाट्सअप चैट। ठीक है फ्रेंड, तो जहाँ तीसरे में भी ऐसे ही डाल देना है आपने, ते पुरानी व्हाट्सअप डिलीट चैट वापस, बस इतना, क्योंकि ऊपर वाले में आप 100 वर्ड्सों का हेडलाइन दे सकते हो और डिस्क्रिप्शन में आप 35 वर्ड से ज़्यादा आप नहीं डाल सकते। ठीक है फ्रेंड, जहाँ से आपने क्रिएट कैंपेन कर देना है, जैसे फ्रेंड आप क्रिएट कैंपेन के ऊपर क्लिक करेंगे तो मैक्सिमम आपका ये प्रोसेस पूरा हो चुका है। उसके बाद कंटिन्यू कैंपेन पे आपने ओके कर देना है। ठीक है फ्रेंड, जैसे आप ओके कर दोगे तो उसके बाद ये गूगल ऐड के पास चला जाता है रिव्यू होने के लिए। ठीक है फ्रेंड, जैसे रिव्यू उनके होती है, इनकी भी पॉलिसी होती है, आप बहुत सारी सेंसिटिव वीडियो होती है, जो हैक से रिलेटेड कोई वीडियो होती है, कई बार बच्चों से मैंने सेक्सुअल रिलेशन में कोई वीडियो रहती है, ऐसी वीडियो को आप नहीं प्रमोट कर सकते। इस पे जो लीगल है, जो सही है, जिसपे पास लोगों की नॉलेज बढ़ती है, या कोई भी टॉपिक आपका हो सकता है, मतलब कि सही होनी चाहिए, वो रिव्यू करेगा। रिव्यू करने के बाद ही फ्रेंड आपकी ये ऐड रन हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, अगर आपकी ये वीडियो रन नहीं भी होती, उसका तरीका क्या है, उसका मैं आपको ये बता देता हूँ। आपने जाना है गूगल पे, अपने गूगल पे जाके आपने, ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो आपका प्रोसेस फ्रेंड पूरा हो चुका है, इसके बाद आपने और कुछ नहीं करना। जी देखिए, एलिजिबल देगा, मैक्सिमम CPV लेगा, ये बस अंडर रिव्यू के अंदर अभी चला गया है, 1 से 2 दिन तक समय ले लेते हैं इसको रन होने में, इसकी चिंता नहीं करनी। अगर फ्रेंड आपकी फिर भी आपकी रन नहीं हो रही, फिर आपने सिंपली दोबारा जाना है गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद फ्रेंड आपने जहाँ पे डालना है support.googleads, है ना, मैं ये डाल के दिखा रहा हूँ support.googleads। ठीक है फ्रेंड, जहाँ पे आपने जहाँ गूगल ऐड भी डाल सकते हो, या गूगल, हाँ, या इतना डाल दो। इतना डालने के बाद इसको आपने क्या करना है, सर्च कर लो इसको, कंटेक्ट अस लिखा हुआ है ना, जहाँ से आप फ्रेंड आपके जो भी आपके इशू हैं, तो जहाँ से गूगल ऐड अपने आप आपसे कॉन्टेक्ट करेगा तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद करता फ्रेंड ये मेरी बताई गई जानकारी आपको पसंद आई है, आपके नॉलेज की है, तो एक लाइक तो बनता है ना। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक लिए बाय बाय।